हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चैनल का नाम है एक्वा फार्मर सपोर्ट और सभी को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं उन लोगों को मैं चैनल के शुरू में बोलना चाहूँगा कि वो जो लाल कलर का बटन दिख रहे हैं उसको दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। उसमें कोई पैसा नहीं काटेगा आप लोगों का। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को निवेदन है कि आप लोग लाइक ठोक दीजिए और कमेंट में आप लोगों का जानकारी क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो दीजिए। और मेरा इनबॉक्स या फिर आप बोल सकते हैं कि आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उधर मेरा नंबर दिया हुआ है। आप लोग को अगर कुछ अर्जेंटली जानने का विषय है या फिर कुछ बिजनेस रिलेटेड क्वेरीज है तो आप हमको कॉल कर सकते हैं, फिर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है। तो इधर देख पा रहे होंगे कि 4 सीमेंट टैंकी है। हमारे सीमेंट टैंकी का शोधन फिर क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे क्या थोड़ा बहुत सेटअप का काम है वो बोलेंगे। देखिए इधर टैंक को हम लोग गोबर और कला का गाछ जो होता है उससे हम लोग रख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा क्लिप देखिए, इधर आपका जो पानी क्लीनअप किट दिए हैं हम टैंकी का वो वीडियो हम लोग दिखा रहे हैं। तो उधर क्यों दिए थे हम लोग ये था, तो उसमें जो एक्शन होता है सीमेंट का वो तो काटने के लिए, कारण सीमेंट बहुत टॉक्सिक है, ठीक है। तो उसका नेचर हम लोग को फिश के लिए बहुत हानिकारक रहेगा डायरेक्ट यूज़ करने से। तो उधर रखने के बाद हम लोग का थोड़ा बहुत एक्शन कट जाएगा। उसके बाद हम लोग ये जो टैंक देख पा रहे होंगे अब पानी फेंक दिए है, टोटल 20 दिन रखे थे पानी, हम उतना दिन तक पानी रखेंगे जब तक हम देखेंगे उसमें इंसेक्ट डेवलप हुआ है कि नहीं। जब रेडी है तब हम लोग समझ पाएंगे हाँ रेडी है। देखिए मेरा टैंक, इस टैंक में ढाल बहुत ज़्यादा है, 18 से 22 इंची तक है। हम आपको ढाल समझाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग भी फर्स्ट टाइम में आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि कितना क्या ढाल है, लेकिन जब हम पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ किए थे तो उसके बाद थोड़ा बहुत दाग बैठा था। हम उसको बाद में सीरिश पेपर जो होता है उससे हम लोग घस के उसको उठा दिए थे, और जो अच्छा से प्लेन नहीं हुआ था उसको हम लोग प्लेन कर दिए थे सीरिश पेपर से। तो इधर टैंक में हम लोग 18 से 22 इंची ढाल रखे, एकदम कढ़ाई की तरह टैंक हो गया, पकड़ सकते हैं आप लोग कि पूरा मैल एकदम सेंटर में आके आपका जमा होगा, ठीक है। तो उसी तरह से ये टैंक सब निर्माण किया हुआ है। हाँ, टोटल 4 टैंक है, पर टैंक की मिनिमम 25,000 लीटर्स वाटर कैपेसिटी पकड़ता है। तो इसमें हम लोग एयर ऑक्सीट्यूब सेटिंग करने वाले हैं, और एयर ऑक्सीट्यूब का थोड़ा बहुत काम हो गया था तो वो भी आप लोगों को शेयर करेंगे। देख सकते हैं हम लोग का आउटलेट पाइप है, ठीक है। ये पानी तो क्लीन अप किए हैं इसलिए थोड़ा बहुत सैंडी पकड़ सकते हैं आप लोग, कारण इसमें गोबर भी था, फिर आपका केला का गाज भी था, वो देख सकते हैं झाड़ू टो ऐसे साफ करने के लिए ये सब के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को बोलेंगे जब भी आप लोग सीमेंट का टैंक बनाएगा अच्छा मजदूर अच्छा मिस्त्री से बनाइएगा, कारण ये बहुत मायने रखता है कि आपका टैंक में कोई लीकेज ना हो, आपका टैंक एकदम ठीक ठाक रहे। देखिए हमें तो चप्पल फेंके हैं उधर, और आपका जो झाड़ू है उधर से अगर आप देख पाएंगे अच्छा से थोड़ा बहुत अगर देखने का समझेंगे कि इसमें ढाल बहुत अच्छा ढाल दिया है। ये ढाल आपका मेन है, जब भी हम सीमेंट टैंकी बनाएंगे ना कोशिश कीजिए जितना ढाल दे सकते हैं उतना। ये टैंकी में चलने के वक्त हम 2 से 3 बार खुद गिर गए थे, कारण क्या है, कारण बहुत ज़्यादा ढाल हो गया है। तो वो ढाल बहुत अच्छा है, मछली के कारण बोले या फिर आपका जो स्लज रिमूव करेंगे, जो आप लोग एमोनिया का प्रॉब्लम करते हैं मैक्सिमम लोग ढाल नहीं बनाते हैं, तो ये ढाल बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रॉपर आउटलेट सिस्टम है। तो वो चीज़ इधर बहुत अच्छा से हो चुका है, इधर होपफुली स्लज का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा और अच्छा मिस्त्री से काम कराइएगा, नहीं तो अगर लीकेज मारता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है। वैसे ही सीमेंट टैंक की कंस्ट्रक्शन इज़ कॉस्टली, ये तो 5 का एक और टैंक है सेम वैसे ही बनाया हुआ है, इसमें भी बहुत अच्छा ढाल दिया हुआ है। हम लोग 4 टैंकी तो बहुत अच्छा ढाल से बनवाया हुआ है, ठीक है। तो इसका सब एंडिंग वेंडिंग सब ठीक है, और अभी इसका काम भी तो हो गया है टैंकी का, और पानी देके हम लोग रख दिए थे, और जस्ट पोटेशियम से हम लोग थोड़ा बहुत क्लीन अप करके हम लोग जस्ट प्रॉपरली ऑक्सीटिव सेटिंग करके फिश नर्सिंग के लिए हम लोग डालेंगे। उसका अपडेट भी आप लोगों को मिलेगा, और इस अपडेट के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना है, कारण आई थिंक आई शेयर यूनिक नॉलेज फॉर यू। देखिए इधर हम लोग जो एक तो बोलते हैं आपका चाबी बोल सकते हैं वो तो लगाए, कारण 2 टैंकी में फर्स्ट में मछली छोड़ा जाएगा, उसके बाद 2 खाली रहेगा, तो इसलिए हम लोग उसको बंद करके रखेंगे, ठीक है। तो वो 2 चाबी लगाए हैं, और लास्ट में एंडिंग में हम लोग एंड कैप लगाए हैं। ये पाइप सेटिंग हम लोग किए हैं, कारण हम लोग इधर एयर ऑक्सीट्यूब सेटिंग करने वाले हैं। हम लोग इधर 1 HP का डबल स्टेज रिंग ब्लोअर यूज़ कर रहे हैं, और हेयर
हम लोग तेलापिया मछली फार्मिंग नहीं करेंगे। सिंगी, मागूर, कोई, पापदा, टेंगड़ा, ये सब स्पीसीज का मछली हम लोग मेनली कैटफिश करेंगे। और बाद में अगर कोई मन करता है कि हम लोग कोई कार्प जैसे जापानीज पुठी फिर ये सब अगर करने का मन करता है तो हम लोग कर सकते हैं। इस टैंक में को आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को थोड़ा बहुत ढाल दिख रहा है जो सामने का टैंक है। ये तो सीधा जाके हम लोग देखेंगे आपका उधर, हम लोग जो टी सेटिंग करने वाले हैं, कारण हम लोग का प्लम्बर तब तक नहीं पहुंचा था जब हम लोग गए थे ऑटो सेटिंग करने के लिए। ये इधर देखिए टी है आपका, जो ऑक्सीट्यूब का टी होता है, सॉरी टी नहीं है, ये आपका कंट्रोलर्स है। हम लोग इधर इसको सेटिंग करेंगे, आप सभी को सब कुछ शेयर करेंगे। ये सब हम लोग लाए हैं इधर, 50 लाए हैं हम लोग। फिर आपका इधर हम लोग का पास टी भी है, फिर गमलेट भी है, ठीक है, वो सब हम लोग का पास है। फिर आपका जो हम लोग ये आप देख पाएंगे आप, ये टी है जो ऑक्सीट्यूब का मेन सेटिंग कर लिए है, राउंड करके ऑक्सीट्यूब सेटिंग करेंगे जब हम लोग, ठीक है, वो सब के लिए है। तो इसके साथ साथ हम लोगों ने इधर जो रिंग ब्लोअर यूज़ किए हैं, वो रिंग ब्लोअर आपको पहले ही बोले, आपका 1 HP डबल स्टेज का जो रिंग ब्लोअर होता है, हम लोग वो रिंग ब्लोअर यूज़ किए हैं। ठीक है, इधर सेटिंग भी हो चुका है। ये रहा हम लोगों का रिंग ब्लोअर, ये इसका ब्लो प्रेशर भी ठीक है। जब हम लोग बड़ा सेटअप और भी ज़्यादा बड़ा किया जाएगा तब वो दूसरा पंप लगाने का या फिर दूसरा कोई रिंग ब्लोअर हाई पावर का वो तो सोचेंगे, ठीक है। इसका नीचे हम लोग ईटा वीटा रखे हैं, ठीक है, ये सब आप लोग देख सकते हैं। तो अभी शायद आप लोग हम डाल दिखा पाएंगे कैसे करके हम लोग जो पोटेशियम यूज़ किए थे, पोटेशियम यूज़ करने का कारण थोड़ा बहुत दाग हुआ है, कारण थोड़ा ज़्यादा पोटेशियम दे दिए थे हम, तो उसको अच्छा से क्लीन अप करके एकदम प्रॉपरली चेकिंग अप करने के बाद हम लोग आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसा क्या ढाल हुआ है। कारण ढाल मेन है, जब भी कोई टैंक बनाइएगा ढाल आपका मेन रहेगा। और टैंक का बोल सकते हैं क्रिएटिविटी की कैसे आप बनाएं प्रॉपरली हुआ कि नहीं, अच्छा पानी लोडिंग करता है कि नहीं, या फिर लीकेज ना हो, ऐसा चीज़ आप लोग कोशिश कीजिएगा तो आपका टैंक भी ठीक रहता है। और टैंक का ऊपर ही मछली का ग्रोथ वोट भी डिपेंड करता है, मछली का ग्रोथ आपका टैंक का साइज और सब कुछ का ऊपर रहता है। अगर आप मेरा इस टैंकी का बात कीजिए, आपका नी एकदम सेंटर से लेकर एकदम जो वाल है वाल तक 5 फीट हाइट हो जाता है, 5 फीट। तो अगर उस हिसाब से हम लोग पकड़े तो इसमें 40,000 लीटर वाटर मिनिमम पकड़ेगा। लेकिन देख सकते हैं अभी ढाल तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितना ढाल है, देखिए एकदम कढ़ाई की तरह लग रहा है। तो ऐसे अगर ढाल बनाता है ना तो स्लज उतना नहीं जमा होगा, ठीक है। देखिए इधर हम लोग टीटो लगा दिए हैं ना, टीटो लगा दिए हैं हम लोग ड्रिलिंग मशीन से। पहले तो मजदूर आया था जब, तब वो ड्रिलिंग मशीन नहीं लाया, फिर से लाना पड़ा ड्रिलिंग मशीन से। हम लोग ड्रिल करके फिर लगा दिए। उधर हम लोग का प्लम्बर जी थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं और उनको भी बहुत ज़्यादा थैंक यू, कारण वो हम लोग का बहुत हेल्प कर दिए इस काम में। और ये इनके लिए नया काम था, लेकिन कोई बात नहीं, एक काम से एक्सपीरियंस बढ़ता है और होपिंग कि नेक्स्ट टाइम उनसे ज़्यादा काम करवा पाएंगे। और ये रहा आपका जो हम लोग टैंक तो बनाए और ढाल वाल सब कुछ मेन रहता है आपका। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू। और कमेंट में आपका जानकारी के लिए।